हाय फ्रेंड्स, आज हम एक बात करेंगे, एक इम्पॉर्टेंट इशू, एनवायरनमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट इशू, और हम लोग प्लास्टिक डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरनमेंट के बारे में बहुत सुनते हैं। क्या ये प्लास्टिक्स जो हैं हमें कैंसर कॉज कर सकते हैं? इसके लिए हम बहुत सारा रिसर्च होता है, बहुत लोग बोलते हैं कि प्लास्टिक से नहीं पीना है, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, तो क्या इसमें सच्चाई है? थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं। तो बेसिकली माइक्रोप्लास्टिक्स आर व्हाट रियली अफेक्ट अस। व्हाट आर माइक्रोप्लास्टिक्स? 5 मिलीमीटर से भी छोटे जो प्लास्टिक के पीसेस होते हैं उनको हम माइक्रोप्लास्टिक्स कहते हैं। ये माइक्रोप्लास्टिक्स कहाँ से आते हैं? तो बेसिकली कोई भी प्लास्टिक डेब्री से ये आ सकते हैं, और ये कॉन्टामिनेंट फूड के होते हैं, खास करके जो प्रोसेस्ड फूड है, जैसे आप चिकन नगेट्स खाते हो, या आप फिश स्टिक्स खाते हो, या इवन प्लांट बेस्ड प्रोटीन अगर आप खाते हो, तो उसमें ये माइक्रोप्लास्टिक्स होने की संभावना बहुत बड़ी है। और जनरली हम आज जानते हैं कि ओशन में इतने प्लास्टिक्स हैं कि फिश इनवेरेबली कंज्यूम सम ऑफ द प्लास्टिक्स, एंड दीज प्लास्टिक्स डू कम इनटू द ह्यूमन बॉडी थ्रू वेरियस फूड सोर्सेस। अभी ये प्लास्टिक शरीर के अंदर करते क्या है? नाउ बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, अपने शरीर के अंदर सपोज अपना लार्ज इंटेस्टाइन है, तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो अंदर का लेयर होता है उसको एक थिन कोटिंग आ जाती है जो प्रोटेक्टिव रहती है। जैसे समझो हम ग्रीस का एक लेयर डालते हैं कोई भी जॉइंट पे, तो वैसा वो ग्रीस का लेयर जैसा रहता है, वैसा एक म्यूकस का लेयर रहता है। जैसे वो अपने नोज में से म्यूकस आता है, तो वैसे ही म्यूकस जो रहता है दैट लाइंस अवर इंटेस्टाइन्स, सिमिलरली इट लाइंस द लंग्स। दीज माइक्रोप्लास्टिक्स व्हेन दे गेट इनटू द बॉडी destroy this layer, and because they destroy this layer, the colon is exposed, the internal cell layers are exposed to whatever is coming inside. Think of it as the ozone layer surrounding the earth. जैसे ozone layer में hole होता है तो उसमें से harmful UV radiation आता है, वैसे ही ये mucus layer अगर चला गया microplastic से तो हमें काफी सारा harm हो सकता है। Unfortunately, it has never been proved in concrete numbers कि ये हो सकता है। एनिमल एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया है कि ओवेरियन कैंसर या लंग कैंसर की एक्सेलरेटेड ग्रोथ होती है जब इन्होंने ट्राई किया कि ओवेरियन न्यूड माइज यानी जो इम्यूनिटी जीरो जिनकी होती है उनको न्यूड माइज कहते हैं, तो उनके ऊपर ये जब ट्राई किया गया तो उसमें देखा गया कि कैंसर की ग्रोथ काफी फास्ट होती है। सो देर इज इनडायरेक्ट एविडेंस, बट देर इज नो डायरेक्ट एविडेंस दैट सजेस्ट that microplastics do cause cancer, but I'm sure it must be a cause in various ways. So we have to wait for robust evidence to come out, but till then it never harms to eat a proper healthy food and avoid processed food and avoid food from dubious sources. So anytime you sort of call in food through various apps, just remember that this is one of the causes of cancer.